करते हैं, आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बबेरू तहसील समाधान दिवस पर कोटेदार के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण पहुंचकर प्रदर्शन किया और कहा कि 3 महीने से कोटेदार राशन सामग्री नहीं देता। कई बार ग्रामीणों ने कोटेदार द्वारा राशन सामग्री बेचे जाने का आरोप भी लगाया है, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। ग्राम प्रधान भी कोटेदार का साथ देते नजर आ रहा है और ग्रामीणों को राशन सामग्री नहीं देने देता। आपको बता दें कि पूरा मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ग्राम देवरथा कोटेदार का है, जहां पर सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष तहसील समाधान दिवस पर आकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की है और संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि गांव का कोटेदार छेदनी देवी का निलंबित कोटा बर्खास्त करके गायब किए खदान के विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। अगर कोई राशन सामग्री लेने जाता है तो मशीन में अंगूठा लगवा लेता है और राशन सामग्री नहीं देती है। इसके बाद भी आज तक राशन सामग्री अगस्त के महीने का नहीं मिला है, जिसकी शिकायत SDM बबेरू से किया था, मगर आज तक इसका निस्तारण नहीं हुआ है। अगर राशन मांगने जाते हैं तो कोटेदार का पति प्रति राशन कार्ड से 20 से लेकर 50 रुपए लेता है और अभद्र भाषा का उपयोग भी करता है और कहता है कि अगर मेरी औरत को कुछ भी कहोगे तो मैं हरिजन एक्ट लगवा दूंगा, जिसको लेकर हमने कई बार SDM सप्लाई इंस्पेक्टर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कह चुके हैं। वहाँ के लोग चाहते हैं कि कोटेदार छेदनी देवी का कोटा बर्खास्त करके 2 से 3 माह से गायब खाद्य की FIR दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जाए, अन्यथा 1 सप्ताह के अंदर कार्यवाही अगर नहीं होती है तो गांव वालों को ले जाकर तहसील परिसर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एक्चुअली आज ये तकरीबन 3 महीने से मामला चल रहा है ग्राम देवरथा। बबेरू तहसील में एक ग्राम है जिसको ग्राम देवरथा कहते हैं, वहाँ के तमाम 100-150 लोग आए हुए हैं। उन लोगों की ये मांग है कि इन लोगों को 3 महीने से किसी भी तरीके से राशन नहीं दिया जा रहा है और इन लोगों से 50-50 रुपए की मांग की जा रही है। इन लोगों ने ग्राम देवरथा के ग्रामवासियों ने उस गांव के बाशिंदों ने कई बार जिलाधिकारियों को भी इन लोगों ने शिकायत की है, SDM को भी शिकायत की गई है, पूरा प्रशासन इस बात को जानता है। इसके बावजूद भी देवरथा ग्राम के बाशिंदों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इन लोगों की मांग है कि वहाँ के कोटेदार को बर्खास्त किया जाए पूरे तौर पर, और अगर वो कसूरवार है, अगर उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, उसके गले को गलत तरीके से बेचा गया है और गरीब को नहीं दिया गया है, तो उन कोटेदार को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये ग्रामवासियों की मांग है, इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए और आज हम लोगों ने यहाँ के अधिकारियों से कहा है कि अगर आपने ग्राम देवरथा के लोगों को इंसाफ नहीं दिलाया तो आने वाले दिनों में 1 हफ्ते के अंदर बुंदेलखंड इंसाफ सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पे धरना देने पर मजबूर होंगे और ग्राम देवरथा के बाशिंदों को इंसाफ दिलाने के लिए मजबूर होंगे। यही वजह का आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। समस्या हमारे गाँव की है कि 2-3 महीने से जो है दाना नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत हमने इंस्पेक्टर साहब को दिया है, माने जिलाधिकारी महोदय बांधव ने दिया है, मगर वो जांच अभी तक कोई जांच करने नहीं अधिकारी गया है। और कोटेदार अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और सरेआम दाना जो है प्रधान के घर में जो है पकड़ा गया है, वहाँ से दाना निकलता हुआ देखा, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, इसी तरह वो भी दाना कहीं बेचा गया है। अभी तक इंस्पेक्टर उस दाने को पता नहीं लगा पा रहा है कि वो दाना कहाँ पर बेचा गया है। कम से कम उसकी जो है उसको कहते हैं तो कहते हैं कि उसकी औरत जो है जेल नहीं जाएंगी। प्रधान कहता मैं हर जने खिलाफ दूंगा कोई खिलाफत मेरे किया, तो सरकार ये जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय होना चाहिए। वो कहता है कि मैं उसकी FIR नहीं कर सकता, अगर दाना गबन किया गया है, चोरी किया गया है, तो उसके खिलाफ जो है कहना मतलब FIR दर्ज की जा सकती है। कल कोई मॉडल करके पहुंच जाए, कहते कि हम जांच कर रहे हैं, जांच करने समय जो है दूसरा दाना आ गया, दूसरे गांव में कोटा अटैच हो गया है, जैसे जो है कहना मतलब वहां पर दाना पब्लिक लेने जाएगी सारी जो है इस महीने का दाना कोटेदार पूरा बगेटा रजन के पास है, बाकी जो है 2-3 महीने का दाना जो है गबन किया गया है, जिसकी हम पूरी जनता जो है मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय न होना चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामता प्रसाद यादव और बनन्ना भैया। यह थी खबर हमारे ब्यूरो चीफ शिव कुमार शिव हरि की खास खबर।
एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। धन्यवाद।